हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 152। मैं बस क्वेश्चन को लिख रहा था, तभी मैं सोच रहा था कि भाई कितना आसान आसान क्वेश्चन देने लग गए वो भी नीट में। कई बार सोचता हूँ दोबारा मैं पीएमटी का पेपर दे लूँ तो अच्छा रहेगा। इसने पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसमें, कहता है आपके पास लुथेनियम के अंदर पूछा है कि 71 उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर आपके पास कितना दे रखा है 175। तो आपको पता है कि हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन, यानी एटॉमिक नंबर 71 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हो जाएंगे ये। और क्या पूछा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता है तो जो भी मेरे पास एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो मेरे पास कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपके पास 71, तो 104 आपके पास क्या आ गया इसका, क्या आ गया, तो आपको पता है कि 104 क्या आ गया इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 71 दे रखा है, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 104। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पूछा है तो सी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मेजर ऑप्शन हो जाएगा।